है हमारा, है ना। तो कहाँ तक बढ़ लिया था हम लोगों ने, कहाँ तक पढ़ा था ये बताओ, बोलो ना जी। आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। सूत्र नंबर हमने 9 तक पढ़ा था मैम। नाइन तक पढ़ा था कि 8 तक पढ़ा था? ये जाति देश काल मैम आपने पढ़ा दिया था, ये सूत्र बोला था मैम। उसके बाद मैं थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लेफ्ट हो गया था। क्या पता आपने इसका अर्थ बताया था कि नहीं 8 तक बताया ही था। पढ़े हैं ऐसा मुझे याद आ रहा है, बाकी लोगों का आप लोग कल की क्लास में थे कि नहीं थे? यस सबसे मैम, पहले यस। तो ये बताइए। हाँ, तो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि कौन से सूत्र तक पढ़े थे। रिस्पॉन्ड थोड़ा जल्दी किया कीजिए, ठीक मैम मैं हॉस्टल में आ रही थी ना, तो लॉक वगैरह खोल रही थी, इसलिए नहीं किया। है। बाकी लोगों का क्या है? आप एट लोग तक नहीं तो थे मैम क्लास आपने में? कंप्लीट कर दिया था मैम, मैम एट तक कंप्लीट कर सुबह दिया सर के मैंने, लिए आपने क्विट नोट्स कर नहीं दिया पढ़ा था है। हमने। 9 का आपने थोड़ा सा बताया था, उसके बाद तक मेरा मैम नेटवर्क प्रॉब्लम से लेफ्ट हो गया चलिए था। ठीक है, ओके ओके। आप लोग क्लास में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आता इन्हीं सब कारणों को देखते हुए। चलिए सॉरी, है ना। अब हम लोग क्या है, 7-8वें नंबर का तक का सूत्र देख लिए थे, अब 9वें नंबर का सूत्र देखते हैं। तो कर्म संस्कार तो अनेक जन्मों के अनंत होते हैं, उनमें देश काल और जन्म जन्मांतर का अंतर पड़ जाता है। इस स्थिति में वर्तमान जन्म के अनुरूप क्या है, फल भोग की वासनाएं कैसे उत्पन्न होती है? तो इस पर कहते हैं कि देखो, कर्म संस्कार है क्या है, वो हमने सिर्फ अभी कर्म किया या जो लास्ट जन्म था उसका है, ऐसा है क्या? नहीं, वो क्या है, जन्म कई जन्मों के होते हैं, है ना। और उसमें भी क्या है, देश का मतलब अलग अलग स्थान का, अलग अलग समय का, और जन्म जन्मांतर का मतलब हम नहीं बता सकते कि कब किसका फल मिल रहा है, ठीक है। तो इन सब का क्या है, अंतर पड़ जाता है। तो इस स्थिति में वर्तमान जन्म के अनुरूप फल भोग की वासनाएं कैसे उत्पन्न होती है, मतलब अब अलग स्थान पर किया, अलग समय पर किया, है ना, अलग जन्म में क्या है, हमने कर्म किए, तो अभी अब उसका फल भोग हमको मिलेगा, फल उसका हम भोगेंगे। तो इसकी वासनाएं, वासनाओं का अर्थ होता है संस्कार, ठीक है। तो वैसे संस्कार कैसे उत्पन्न होते हैं, तो इसके संबंध में 9वें नंबर का सूत्र कहते हैं, जाति देश काल व्यवहिता नाम अप्यंतना नाम नाम अप्यानंतरियम स्मृति संस्कारियो रूप, कहाँ गया जी, रेख रूपत्वा, ठीक है। तो जाति देश काल व्यभिता नाम अप्यानंतरियम स्मृति संस्कारियो वेग रूपत्वात्, ठीक है। तो जाति देश और काल इन तीनों का क्या है, व्यवधान रहता है, इससे भी पहले हमने देखा ही है ना। तो जब इन तीनों का व्यवधान रहता है, इन तीनों में भी क्या है, मतलब बाधाएं होंगी, ठीक है। लेकिन अपी मतलब फिर भी अनंतरियम कर्म संस्कारों के व्यवधान नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अब क्यों नहीं होता, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का क्या है, एक ही स्वरूप होता है। मतलब कर्म संस्कार क्या है, जो हमने संस्कार कर्म किए हैं उनके अनुरूप हमारे जितने वासनाएं प्रकट होती है, ठीक है, संचित होती है। तो ये हो गया संस्कार। अब स्मृति क्या है, तो जिस तरह का कर्म हमने किया तो उसके क्या है, अब आपने सपोज गुलाब जामुन खाया, तो गुलाब जामुन खाया तो उसका कुछ तो स्मृति आपके मन में रहेगा ना, हाँ नहीं कि गुलाब जामुन ब्राउन कलर का होता है, वो मीठा सा होता है, तो ये क्या हुई, स्मृति। तो जो कर्म किए हैं फिर उसकी क्या है, उसकी भी स्मृति संचित रहती है। तो इस कारण से क्या है, स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप होता है। तो अब कह व्याख्या पढ़ते हैं, है ना। तो कोई कर्म किसी एक जन्म में किया गया है और कोई कर्म किसी दूसरे जन्म में किया गया है, यह उन कर्मों में जन्म का व्यवधान है। मतलब हम नहीं बता पाएंगे ना कि कौन सा कर्म हमने किस जन्म में किया, तो ये अलग अलग प्रकार के जन्म क्या है, कर्म अलग अलग जन्म में किए, तो ये जन्म का व्यवधान हो गया। अब उसके बाद भिन्न भिन्न कर्मों में देश और काल का भी व्यवधान होता है, मतलब आपने सेम टाइम पे किया है क्या, नहीं किया, सेम जगह पे किया क्या, नहीं, दोनों क्या है, स्थान भी अलग अलग है और समय भी अलग अलग है। तो इस तरह से क्या है, जन्म देश और काल का व्यवधान होते हुए भी जिस कर्म का फल प्राप्त होने वाला है उसके अनुसार भोग वासना उत्पन्न होने में क्या है, कोई अड़चन
नहीं आती, मतलब जो हमने कर्म कर दिया तो उसका भोग हमको मिलेगा, तो इन तीनों का क्या है, किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं होगा, और उसी प्रकार की क्या है, वासना उत्पन्न होगी। और यदि किसी को उसके पूर्व जन्म के कर्म का फल भोगने के लिए गौ की योनि मिलने वाली है, तो उसने गौ की योनि जब कभी भी पाई है, उसकी वासना प्रकट हो जाएगी। मतलब अब जो कर्म किया उसका फल क्या है, उसको गौ योनि के रूप में मिलेगा। तो जब वो गौ की योनि मिलने वाली, मतलब गौ के रूप में जब वो आएगा, तो इससे पहले भी जब वो कभी गौ के रूप में प्रकट हुआ रहा होगा, उसका जन्म हुआ रहा होगा, तो उस तरह की वासनाएं क्या है, प्रकट हो जाएगी। तो भाव यह है कि चाहे उस जन्म के बाद दूसरे कितने ही जन्म बीत चुके हों, कितना ही समय बीत चुका हो, वह किसी भी देश में हुआ हो, उसकी वासना स्फुरित हो जाएगी। ठीक है, मतलब फिर समय और जाति देश काल का बाधा नहीं रहेगा। जब वह ऐसा सिचुएशन आएगा तो उस तरह की वासना क्या है, प्रकट हो जाएगी। अब क्यों? क्योंकि स्मृति और संस्कारों की एकता होने के कारण जो फल मिलता है उसके अनुकूल भोग वासना यानी स्मृति पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्मृति और संस्कार क्या है, दोनों जब एक हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके अनुकूल क्या है, भोग वासना प्रकट हो जाएगी। अब आप लोग मुझे एक चीज बताइएगा, ठीक है, आप लोग स्कूल का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। अभी सभी हम लोग मैक्सिमम कॉलेजेस में नहीं होता, यहाँ पर ऐसे ऐसा में जैसे कि होता है, यहाँ राष्ट्रगान भी गाते हैं और राष्ट्रगीत भी गाते हैं। तो एक 8 बजे का सेशन रहता है, उसमें हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं, और एक 10:30 वाला जो मैत्री मिलन का सेशन है उसमें वंदे मातरम, है ना, राष्ट्रीय गीत गाते हैं। अब हमने 4-5 साल तक क्या है यूजी और पीजी का कोर्स किया, तो उसमें क्या है, कभी कभी गाया, मान लो कि हमने बिल्कुल भी नहीं गाया, ठीक है। अब लेकिन मैं बचपन में स्कूल जाती थी, 12th तक तो मैंने पढ़ाई की है, तब वहां क्या है, हम लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत गाते थे। तो अब बीच में क्या है, 5 साल का काल का गैप आ गया, स्थान का भी गैप आ गया, वो अलग स्थान पे था, ये अलग स्थान पे है, ठीक है, जन्म यही ही है, लेकिन मैं उदाहरण के लिए ही बता रही हूँ। तो अब मैं क्या उस चीज को भूल जाऊंगी क्या, कि अब मेरे को वापस ये राष्ट्रगान अभी जब गाना है तो मुझे अब गैप हो गया, तो मैं इस चीज को भूल जाऊंगी क्या, मेरे स्मृति में नहीं रहेगी, वो रहेगी, है ना। तो अब किसी भी तरह का बाधा हो तो वो हमको क्या है, वैसी वासना प्रकट हो जाएगी। अब इस चीज को हम लोग लेते हैं एक्चुअल में, जैसा उदाहरण है वैसा, तो इसमें क्या बोला गया है, गौ के रूप में, इधर चला गया, गौ के रूप में क्या है, गौ की योनि मिलने वाली हो, तो उसने गौ की योनि जब कभी भी पाई हो, उसकी वासना प्रकट हो जाती है, ठीक है। मतलब अब जो फल उसको गौ के रूप में मिलने वाला है, तो जब भी कभी भी वो गौ के रूप में रहा होगा, तो उसकी वासना प्रकट हो जाएगी। अब देखते हैं, है ना, जो गाय का बछड़ा होता है जब पैदा होता है, तो क्या उसको दूध पिलाने के लिए कोई सिखाता है? नहीं मैम, हाँ, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सीख जाता है ना। तो ये चीज कैसे हुआ, क्योंकि ये उस जीव का पहला जन्म नहीं है, है ना। अन्य जब कभी भी मतलब स्तनधारी जीव के रूप में जब यह आया रहा होगा, है ना, अब जरूरी नहीं है कि वो गौ के रूप में ही पहले रहा हो, या फिर सिर्फ गाय लोग ही ऐसे स्तन से दूध पीते हैं, है ना। तो उस तरह का क्या है, मतलब वो पहले भी वो कर चुका है, जन्म ले चुका है, तो दूध इस तरह का पीते हैं, इस तरह की स्मृति उसके मन में है, तो इस कारण से क्या है, वो मतलब जो नया बछड़ा पैदा होता है उसको दूध पिलाने के लिए सिखाना नहीं पड़ता। तो ये इस बात का प्रमाण है कि स्मृति उसके पास है, कि ये कार्य क्या है, अमुक रूप से इस तरह से करके किया जाता है, तो उस तरह की क्या है, वासना प्रकट होगी। ठीक उसी प्रकार का क्या है, कर्म संस्कारों का भी होता है। मतलब हम अभी क्या है, जिस तरह का सपोज हमने किसी को के साथ चीटिंग किया है ना, किसी के पैसे की चोरी की, ठीक है, तो अब हमको जब उसका फल मिलने वाला रहेगा ना, तो उस तरह के संस्कार, उस तरह की वासनाएं क्या है, प्रकट हो जाएगी। तो इसी चीज को बता रहे हैं कि जब हमको ये मिलने वाला रहता है ना, फल भोग, फल मिलने वाला रहता है, जो भी कर्म हमने किया हो, तो उसमें जन्म, देश और काल इत्यादि का व्यवधान नहीं रहता। आया समझ में, जी आया कि मैम, नहीं आया? जी हाँ, ठीक जी है, मैम, जी चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक शंका होती है कि जब वासनाओं के अनुसार ही जन्म होता है और कर्मों के अनुसार वासना होती है, देखिए जैसी वासना रहेगी कर्म संस्कारों का ही रहेगा, ठीक है। तो जो कर्म संस्कार होते हैं ना, वही वासना है, ऐसा आप लोग मान कर चलिए, ठीक है। तो
तो वासनाओं के अनुसार क्या है, जन्म होता है, मतलब जिस तरह का हमारा कर्म संस्कार रहेगा उसी के अनुरूप क्या होता है, जन्म मिलेगा, है ना। पहले भी पढ़े हुए हैं और इन चीजों का कोई अनुभूति बाद में जानकारी सूत्र आया है, जो संस्कार की सिद्धि होती है तो उसके है। अनुसार हम पूर्व जाति का ज्ञान लगा लेते हैं, उसी के आधार पे ये हाँ भी है ना। हाँ हाँ ठीक है। और अलग अलग ग्रंथों में भी दिया हुआ है ना, मतलब जनरल फिलॉसफी है हमारे इंडियन फिलॉसफी की, कि जिस तरह का हमारा वासना कर्म संस्कार है उसी के अनुरूप क्या है, जन्म जन्म होता है। अब इस चीज को भगवत गीता में भी दिया गया है ना, कि कैसे कुल में जब जन्म होता है ना, तो उस चीज को अगर आप लोग रिलेट करें, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब कर्मों के अनुसार क्या है, वासना होती है, मतलब कर्म संस्कार जैसे हैं हमारे उसी अनुरूप हमारा जन्म होगा, लेकिन ये कर्म संस्कार बनेंगे कैसे, ठीक है। तो जिस तरह का हम कर्म करेंगे तो उसी के अनुसार क्या है, वासना होगी, उसी के अनुसार क्या होगा, कर्म संस्कार होती है। तो सबसे पहले जन्म देने वाली वासना कहाँ से आई, ठीक है, मतलब कर्म बन रहे हैं, कर्म संस्कार बन रहे हैं जन्म के कारण, और जन्म हो रहा है कर्मों के कारण। तो अब सबसे पहले जन्म, वही वाली बात है ना, मुर्गी पहले आया कि अंडा, है ना। तो सबसे पहले जन्म देने वाली वासना कहाँ से आती है, ये भी प्रश्न है कि अब जन्म सबसे पहले होता कैसे है, ठीक है, क्योंकि कर्म तो नहीं किया तो कहीं ना कहीं तो बीज रूप में मतलब उत्पन्न होना पड़ेगा, है ना। तो इस पर कहते हैं अब 10वें नंबर का सूत्र, ताशाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्, ठीक है। तो किसके बारे में पढ़ा है हमने इससे पहले वाले सूत्र में, वासना के बारे में। तो इस कारण कह रहे हैं ताशाम अर्थात उन वासनाओं की, ठीक है, अनादित्वम क्या है, अनादिता है, ठीक है, मतलब उसका आदि नहीं है, उसका प्रारंभ नहीं है, वो सबसे पहले से है, ठीक है। आशिषः नित्यत्वात्, क्योंकि प्राणियों में क्या है, अपने बने रहने की इच्छा क्या है, नित्य अर्थात अनादि काल से ही है। तो अब व्याख्या पढ़ते हैं, प्रत्येक प्राणी को जीवन की इच्छा नित्य बनी रहती है, मृत्यु का भय तुरंत जन्मे हुए क्षुद्र से क्षुद्र जीवों में भी देखा जाता है, इससे पूर्व जन्म की सिद्धि होगी। अब अपने आप को देखिए, आप लोग चाहते हैं क्या कि मैं मर जाऊं, मैं तो नहीं चाहती, मैं 100 साल जीना चाहती हूँ भैया, है ना। ऐसा कोई है जिसको मरने की इच्छा है ना, अरे बोलो ना जी, नहीं नहीं है ना। सब लोग क्या है, सबके अंदर जीवन की इच्छा नित्य बनी रहती है, सब चाहते हैं कि मैं लंबे समय तक, मतलब फिलहाल तो अभी नहीं मरना चाहते, है ना, भले 100 साल ना जिए, लेकिन कम से कम एक लिमिटेड टाइम, हाँ 50 60 70 साल, इतने साल तो हम जी ही जाए। तो इस तरह क्या है, जीवन की इच्छा नित्य बनी रहती है, मृत्यु का भय तुरंत जन्मे हुए शूद्र से शूद्र जीवों में भी देखा जाता है, इससे पूर्व जन्म की सिद्धि होती है। जैसे कि चींटी को देखे हो आप लोग, वो रास्ते में भी चलता है, मतलब चलते रहता है, तो आप उसके सामने में अगर एक ऐसे छोटी सी लकड़ी भी रख लोगे तो वो तुरंत अपना रास्ता बदल लेता है, क्यों, क्योंकि अब मार्ग में उसकी क्या है, ऑब्स्टेकल कुछ आ रहा है, तो उसको क्या है, मरने का डर रहता है ना। तो छोटे से छोटा जीव भी, और तुरंत जन्मा हुआ भी जो जीव रहता है क्या है, वो मृत्यु से क्या है, डरता है। तो अब इससे क्या है, पूर्व जन्म की सिद्धि होती है, मतलब वो इससे पहले भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो इस कारण अब वो क्या है, और मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता, इससे क्या है, पूर्व जन्म की सिद्धि होती है। आया समझ में, आया जी कि मैम, नहीं आया जी। हाँ, तो उस जन्म क्या में भी मरण भय की व्याप्ति होने से जन्म जन्मांतर की परंपरा क्या है, अनादि सिद्ध होती है, मतलब ये जो जन्म सबसे पहले होता कैसे है, तो इस कारण कह रहे हैं कि अब मरने से डर रहे हैं, तो इससे क्या है, जन्म जन्मांतर की क्या है, परंपरा अनादि सिद्ध हो जाती है ना, मतलब बार बार जन्मेंगे और मरण होगा, ये क्या है, ये अनादि सिद्ध हो जाती है। अतएव वासनाओं का अनादित्व भी क्या है, अपने आप हो जाता है, मतलब ये वासनाएं क्या है, कभी भी खत्म नहीं होती, वो अनादि काल से है, ठीक है। तो इससे क्या है, वासनाओं की अनादिता सिद्ध हो जाती है, क्यों, क्योंकि प्राणियों में अपने बने रहने की इच्छा क्या है, अनादि काल से है। आया समझ में, आया कि नहीं आया जी, जी अरे मैम, बोलो जी भैया। हाँ मैम, मैम इसको ठीक है जी, अभिनिवेश भी तो जोड़ सकते हैं ना, यस, अभिनिवेश ना मरने का डर है, हाँ ये उस चीज को जोड़ सकते जो हैं डर मरने है। के डर से, लेकिन ये यहाँ पर ना मतलब जन्म की बात कह रहे हैं, ठीक अच्छा है। अच्छा हाँ जी आप मैम, सही बोल रहे हो, मैंने भी अपने बुक में लिखा था अभिनिवेश से इसको रिलेट करके,
है उससे रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर आप लोग इस चीज को याद रखेंगे कि सबसे पहले जन्म देने वाली भाषा क्या है, अनादि काल से है, ठीक, क्योंकि जीवों में क्या है अपने बने रहने की इच्छा अनादि काल से है। अब क्या है, वासनाएं अनादि हैं, तब तो इनका अभाव भी नहीं होता होगा, मतलब जो चीज अब अनादि काल से है तो उसका अभाव ही नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर पुरुष की सुप्ति कैसे होगी, पुरुष कैसे बनेगा, ठीक है, मतलब कैसा होता है, तो इस पर कहते हैं हेतु फलाश्रयालंबन है, संग्रही संग्रही सॉरी ना संग्रही तत्वादेशां भावे तद्भावः, ठीक है, हेतु फलाश्रयालंबने संग्रही तत्वादेशां भावे तद्भावः। तो एक मिनट, तो हेतु फल आश्रय और आलंबन ये हो गया, ये चारों, ठीक है, इनसे क्या है संग्रही तत्वात, किनका उनका संग्रह होता है, किनका, इससे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं, वासना के बारे में, तो उन वासनाओं का क्या है संग्रह होता है, इसलिए इन चारों का अभाव होने से उन वासनाओं का भी क्या है सर्वथा अभाव हो जाता है, मतलब वासनाएं अनादि काल से हैं, इनका अभाव नहीं हो सकता। तो पुरुष की क्या है सुप्ति, अर्थात यहाँ पर समझ लो अब उसको मोक्ष मुक्ति मिलेगा कैसे, ठीक है, तो इस पर कहते हैं हेतु फल आश्रय और आलंबन, इसी में क्या है वासनाओं का संग्रह होता है, कर्म संस्कारों का संग्रह होता है, और इसीलिए इनके अभाव होने से उन वासनाओं का भी क्या है सर्वथा अभाव हो जाएगा, मतलब जो जन्म देने वाली वासनाएं हैं समाप्त हो गई, तो जन्म नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है पुरुष को मुक्ति मिल गई। तो अब व्याख्या पढ़ते हैं, तो वासनाओं का हेतु, इन वासनाओं का कारण क्या है अविद्या आदि जो क्लेश है, ठीक है, और उनके रहते ही क्या है होने वाले कर्म, मतलब ये अविद्या आदि क्लेश रहेंगे, उन क्लेशों के कारण हम कर्म करेंगे, और उन कर्म का फल क्या होता है आप लोग बताओ, क्या होता है उनका फल, सीधा सूत्र सुनाना मुझे हिंदी में, तुम ही जाति बता दो, आयु हैं फिर से बोलो। भूत हाँ, कर्मों का फल, कर्मों का फल क्या होता है। जाति आयु और भोग भोगती हो तो होता है। हाँ, सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगा, जाति हाँ आयु और भोग के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है ये। तो अब आश्रय चित्त है, 2.15 सूत्र नंबर जो है टू वही। पॉइंट थर्टीन सूत्र नंबर, ओके, हाँ 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 मैम, 13 13 13। हाँ ठीक है, मैं 195 सूत्र मुझे याद था ना, तो आप लोग भी अच्छे से कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हेतु फल आश्रय और आलंबन। तो अब वासनाओं का हेतु क्या है, उसका कारण क्या है अविद्या आदि क्लेश। अब उसके बाद देखिए उसका फल क्या मिलता है, पुनर्जन्म आयु और भोग, एक एक लाइन में कर करके लिखते जाइए, ठीक है। अब उसका आश्रय क्या है, चित्त है, ठीक, उन इन वासनाओं का संग्रह किस पे होता है, चित्त में ही होता है ना, और चित्त मतलब क्या नया जन्म, पुरुष के साथ प्रकृति का संयोग होगा और नया चित्त आएगा, चित्त ही क्या है एक नया व्यक्ति पुरुष है, ठीक है। और शब्द आदि विषय क्या है, आलंबन है, मतलब ये वासनाएं किसको लेकर के आगे बढ़ती हैं, जो विषय है उनको लेकर के क्या है वही उसके आलंबन है। शब्द, जो शब्द के बाद क्या आता है जी, शब्द है आकाश का, अर्थ वायु का क्या होता है, स्पर्श स्पर्श हाँ, में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यस एग्जैक्टली, ठीक है, मैं भूल गई थी। तो ये सब क्या है विषय है, तो इन विषयों का आलंबन लेकर ही क्या है ये वासनाएं बनी रहती है। अब वासनाएं इनके संबंध से ही संग्रहित हो रही है, मतलब ये हेतु फल आश्रय और आलंबन का सहारा लेकर के ही, उनका ही आलंबन लेकर ही क्या है उनके संबंध से संग्रहित इकट्ठा हो रही है। अगर ये नहीं होंगे तो वासनाएं कर्म संस्कार भी संग्रहित इकट्ठा नहीं होगा। तो जब योग साधनों से इनका अभाव हो जाता है, अर्थात जब विवेक ज्ञान से इस अविद्या का नाश हो जाता है, मतलब सबसे पहले क्या है अब इसका कारण ही नष्ट हो गया है ना, अविद्या आदि जो क्लेश है उसका कारण है, तो अब विवेक ज्ञान प्राप्त हुआ तो कारण नष्ट हो गया, तो अब उसका कारण नष्ट हो जाएगा, ठीक है, तो अब जो क्या है उसके फल देने का सामर्थ्य
नहीं रहती है। अब देखिए फिर उसके बाद, एक मिनट है ना, कैसे बताऊं मैं। धान में क्या बोलते हैं, अभी धान सब जगह हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जैसे धान बोलते हैं, आप लोग किसी भी फल का उदाहरण ले सकते हैं। तो जब तक वो पेड़ क्या है, किसी अच्छे स्थान पर है, उसकी आयु है, मतलब एक लिमिटेड टाइम तक ही कोई वृक्ष है वो फल दे सकता है ना। तो वो उसका क्या हुआ, मान लेते हैं हम एज को एक फैक्टर है ना, तो एक निश्चित आयु तक क्या है वृक्ष है वो फल देगा। तो उसका क्या है, कहाँ गया जी, उसका कारण क्या हुआ, उसकी आयु, ठीक है। फिर उसके बाद अब उसकी आयु समाप्त हो गई, सपोज आम का पेड़ 100 वर्ष का हो गया, अब 100 वर्ष के बाद वो फल नहीं दे सकता। तो अब उसका कारण क्या है, वो 100 वर्ष तक ही दे सकता था, तो उसके अंदर जो भी ये था एंजाइम्स वगैरह थे वो सब समाप्त हो गए है ना। तो अब उसकी क्या है, फल देने का सामर्थ्य उसमें नहीं रहेगा, मतलब जो कारण था उसका वो समाप्त हो गया, तब वो फल भी नहीं दे सकता। तो ठीक, इसमें क्या है, इन कर्म संस्कार इन वासनाओं का कारण क्या था, अविद्या आदि क्लेश। अब जब इसी का अभाव हो जाएगा तो उसमें क्या है, फल देने की शक्ति नहीं रहेगी। अब क्या है, अब फल देने की जब शक्ति ही नहीं है, कर्म संस्कार ही नहीं बनेगा, तो अब चित्त का भी क्या काम उसी में, क्योंकि कर्म संस्कारों का फल संग्रहित होता, तो चित्त भी अब इसका भी कुछ काम नहीं है, तो ये बेचारा बने रह के क्या करेगा, वो भी अपने कारण में क्या है विलीन हो जाता है। चित्त का कारण क्या है, क्या है चित्त का कारण, अरे बोलो भैया, पढ़ाई हूं मैं, अविद्या। देखती हूँ। कौन बोला विद्या, सौरभ सर, और बाकी लोग बताओ चित्त का कारण क्या है। इससे पहले भी पढ़े हैं, सूत्र में ही पढ़े हैं, साधन पाद में भी पढ़े थे, क्या है चित्त का कारण, किससे बनता है जी चित्त, चित्त का उपादान कारण क्या है, किससे बनता है वो, वृत्ति है चित्त सचिन मतलब जी, महत्व बुद्धि से वृत्तियों होता से। ना। हाँ चित्त वृत्ति, चित्त में महत तत्व से बनता है, बुद्धि से। हाँ ठीक है, उसका कारण होता है अहंकार, और अहंकार उत्पन्न होता है महत तत्व से, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ो, कम से कम मैं क्या बोलूं, टाइम वेस्ट ना लगने लगे कि मैंने अपना इतना समय इन्वेस्ट किया और आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आप लोग बोले कि मैम आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आता, सिंपल सा क्वेश्चन है, चित्त का उपादान कारण क्या है, इसी पाद में ही डायरेक्ट हम लोग पढ़े हैं, आप लोग मैडम ये पढ़ो भी। अंतःकरण है, अंतःकरण है महत बुद्धि अहंकार वो मैं चित्त समझ जो। गई, डायरेक्ट जिस टाइम पे क्वेश्चन आता है उस टाइम पे आंसर दिया जाता है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, अब देखिए कहाँ गया जी। तो चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है, और उपर्युक्त साधनों के न रहने से विषयों के साथ पुरुष का संबंध नहीं होता। अब ये इत्यादि सब कारण ही नहीं रहेंगे, ना ही हेतु रहेगा, ना उसका फल रहेगा, ना उसका आश्रय स्थान चित्त रहेगा। तो अब क्या है, ये इन साधनों का विषयों के साथ भी क्या है, विषयों के साथ पुरुष का संबंध नहीं होता, पुरुष भी इससे क्या है संबंधित नहीं रहेगा। तो इस तरह से क्या है, हेतु फल आश्रय और आलंबन इन सब का अभाव हो गया, तो वासनाओं का भी मतलब कर्म संस्कारों का भी अपने आप अभाव हो जाता है, अतः योगी का क्या है पुनर्जन्म नहीं होता। मतलब अब ये वासनाएं ही समाप्त हो गई, कर्म संस्कार ही नहीं है, तो फिर अब जन्म कैसे होगा। तो इस कारण से हेतु फल आश्रय और आलंबन का अभाव होने पर क्या है, क्या था जी, आ, 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 उन वासनाओं का मतलब जो जन्म देने वाली वासनाएं हैं उनका भी क्या है अभाव हो जाता है। हम नेक्स्ट 12वें नंबर का सूत्र कह रहे हैं, यदि सत वस्तु का कभी अभाव होता ही नहीं, तब वासनाओं का और उनके हेतु आदि का नाश होना कैसे संभव है। तो इस पर कहते हैं है ना, सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि अब देखो यहाँ पर वासनाओं को मतलब जो जन्म देने वाली वासना है उसको अनादि काल से बोला गया है ना। तो इस कारण से कह रहे हैं सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता, तब वासनाओं का और उनके वस्तु का आदि का नाश होना कैसे संभव है। तब इस पर नेक्स्ट 12वें नंबर का सूत्र कहते हैं, अतीता नागतम स्वरूप तो अस्तेद्ध भेदार्थ माना, ठीक है,
नागतम स्वरूप तो अस्तध्व भेदार्धमानाम, है ना। तो धर्मानाम यहाँ पर है पासवर्ड, तो धर्मों में अध्व भेदाग अर्थात क्या है, काल का भेद होता है, इस कारण अतीता अनागतम। ठीक है, तो जो धर्म अविद्या वासना चित्त और चित्त की वृत्तियां आदि क्या है, अतीत हो गए हैं, मतलब जो समाप्त हो चुका है, और अनागतम अर्थात जो आया नहीं है भविष्य में आएगा, वे भी क्या है, स्वरूप तो अस्ति, स्वरूप से क्या है विद्यमान रहते हैं, मतलब वो चाहे समाप्त हो चुका हो चाहे आने वाला हो, वो क्या है स्वरूप से विद्यमान रहते ही हैं। अब आप लोग मुझे बताइए इस चीज को हम लोग और कहाँ पर पढ़ रहे हैं, अतीत और अनागत होने पर भी क्या है विद्यमान रहता है, ऐसा किसके संबंध में पढ़े हैं, किसके संबंध में पढ़े हैं जी। ज्ञान के संबंध में मैम, अतीत अनागत ज्ञान। ठीक है, पढ़ गया आप लोग, है ना, अच्छे से। कहाँ क्या कहा, ये है ना। तो वस्तु का वास्तव में कभी अभाव नहीं, अभाव कभी नहीं होता है, वस्तु के धर्म चित्त और वासना आदि कुछ अनागत स्थिति में रहते हैं, वस्तु के धर्म अर्थात क्या है, कुछ भी नया वस्तु बना तो वो क्या है धर्म चित्त और वासना आदि कुछ अनागत स्थिति में, मतलब जो मतलब कोई भी वस्तु अभी है वर्तमान में, तो वो इससे पहले पास्ट में कुछ थी, भविष्य में कुछ और होगी, तो ये क्या है चित्त और वासना कुछ अनादि स्थिति रूप में क्या है रहते ही हैं, कुछ वर्तमान स्थिति में और कुछ अतीत स्थिति में, मतलब अच्छा ठीक है कंटिन्यू पहले पढ़ते हैं उसके बाद आगे और होगी। तो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जो वर्तमान है उन्हीं की सत्ता है दूसरों की नहीं, क्योंकि उनका स्वरूप से तो कभी अभाव नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो चीज अभी वर्तमान में है केवल वही है, ऐसी बात नहीं है, जो अतीत और अनागत हो चुकी, अतीत हो चुकी है और अनागत है उनकी भी क्या है सत्ता रहती है, और अतीत और अनागत अवस्था में भी अपने कारण में रहते हैं, व्यक्त नहीं रहते, यह अपने कारण में विलीन हो जाना ही उनका नाश या अभाव है, मतलब अतीत और अनागत अवस्था में जो वस्तुएं रहती है वो क्या है अपने कारण में रहती है, अव्यक्त अवस्था में, व्यक्त अवस्था में नहीं रहता। ठीक है, और अपने कारण में विलीन हो जाना ही उनका नाश या अभाव है। अब एक उदाहरण देखते हैं, है ना। हम लोग सपोज बनाते हैं, तिल से हमने तेल निकाला, ठीक है, तो धर्मी हो गया हमारा तिल, और धर्म हो गया नया चीज जो बना वो क्या, धर्म तेल। तो हाँ ठीक है, हाँ प्रकाश यादव सर को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सांख्य वो वेदांत वगैरह पढ़े है ना, सांख्य का कॉन्सेप्ट है धर्म और धर्मी का मतलब कार्य कारण सिद्धांत है उसके हिसाब से, है ना। तो अब जो तेल है वो तिल से बना है, अब मैंने तिल से तेल निकाल दिया तो तिल है वो समाप्त हो गया क्या, नहीं, वो जो नया वस्तु बना है उसमें वो अभी भी स्थिति में है, मतलब तेल अगर है तो कहीं ना कहीं तिल भी पहले रहा होगा, तो इस कारण से क्या है वो व्यक्त अवस्था में नहीं रहता है। ठीक है, अब आप लोग तेल का ही उदाहरण सपोज हम देख लेते हैं, ठीक है, तो तेल है वो पहले मतलब किसमें है वो, तेल के रूप में भी प्रकट नहीं हुआ है, वो तिल के रूप में, ठीक है, तो उसकी अनागत आने वाली अवस्था क्या हुई, तेल। तो अब तेल नहीं है ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं, वो अपने कारण में रहता है, और तेल का कारण क्या है हमारा, क्या है जी बोलो तिल ना, तिल तिल है, तिल है मैडम। तेल है, ठीक है, और वो किस अवस्था में है, अव्यक्त अवस्था में, व्यक्त नहीं रहते हैं, मतलब तेल अभी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, वो क्या है अव्यक्त अवस्था में है, और किसमें है अपने कारण अर्थात तिल में है, तो अतीत और अनागत अवस्था में वे अपने कारणों में रहते हैं। ठीक है, अब यह अपने कारण में विलीन हो जाना ही उनका नाश या अभाव है, तो कोई भी वस्तु है वो क्या है अपने कारण में विलीन हो गई, यही उस वस्तु का क्या है अभाव है। सपोज हमने घड़ा बनाया मिट्टी का, ठीक है, अब वो मिट्टी फूट गया, ठीक, अब उसको हमने ले जाके डंप कर दिया, कुछ समय बाद वो खुद मिट्टी में मिल जाए, ठीक है, तो वो वस्तु है वो अब समाप्त हो गई, जो घड़ा था वो समाप्त हो गया, तो वो समाप्त हो गया वो अपने कारण में विलीन हो गया, यही उसका क्या है नाश या अभाव
अभाव है, ठीक है। फिर उसके बाद योगी का उन्वासना आदि के संबंध विच्छेद हो जाता है, अतः वे योगी के पुनर्जन्म के हेतु नहीं बन सकते। अर्थात क्या है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वासना के बारे में पूरा, है ना। तो ये वासना क्या है, अपने मतलब क्या है जी, कारण में अतीत और अनागत अवस्था में विद्यमान रहती है चित्त में, ठीक है। उनका अभाव नहीं होता है, लेकिन जब उस योगी का उन्वासना आदि से संबंध समाप्त हो जाता है, वो अब फल देने के लायक नहीं रहते हैं, तब फिर क्या है, योगी का पुनर्जन्म का क्या है, वो कारण नहीं बनता। आया समझ में, मैम आया कि नहीं आया जी? यस मैडम, ये सत्कारवाद थ्योरी है मैडम। किसी वस्तु को न तो हाँ उत्पन्न किया जा सकता है हाँ न तो किसी वस्तु को नष्ट किया जा सकता है। जा सकता है, बस वो जैसे सदैव आपने कारण बताया में कि रहती है, ठीक है। हाँ, और ये हम यहाँ पर अब किस लिए पढ़ रहे हैं, वासना के लिए, कर्म संस्कारों के लिए। अब ये क्या है सांख से है ना यहाँ, सत्कारवाद थ्योरी मैम? सांख यस, क्या है? सांख का है ना? सत्कारवाद थ्योरी हाँ बोलता हाँ है कि किसी वस्तु को न तो उत्पन्न किया हाँ जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, उसका रूपांतर होता है निमित्त और बिल्कुल प्रादुर्भाव से। निमित्त अगर उसका कुछ कारण होगा, प्रादुर्भाव होगा, मतलब उसको अगर हम जैसे मैडम ने भी बताया कोई चीज ऐसी अवस्था में आ गई, जैसे प्रसुप्त अवस्था आपने पढ़ा होगा ये कंटिन्यू साधन पाद में। करेंगे, आप लोग मेरे जाने के बाद डिस्कस कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चलिए, अब धर्मों का असली स्वरूप क्या है इसको बतलाते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम लोग धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, जो नया चीज बनता है ना, धर्म और धर्मी के बारे में पहले ही पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर उनका असली स्वरूप क्या है इसको चर्चा करते हुए 13 नंबर का सूत्र कहते हैं, ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मानः, ठीक है। अर्थात वे, अर्थात क्या, इससे पहले धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो वे क्या है, धर्म व्यक्त सूक्ष्म, व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में सदैव क्या है, गुणात्मानः, अर्थात क्या है, गुण स्वरूप ही है, मतलब वो गुण के रूप में सदैव क्या है, विद्यमान रहते हैं। तो वे धर्म जिस समय वर्तमान है उस समय भी अपने कारण रूप गुणों से भिन्न नहीं है, ठीक है। मतलब उसका जो कारण है उससे वो भिन्न नहीं होता। मतलब सपोज क्या है, हम लोग तेल की बात कर रहे हैं, तो तेल है वो कभी तेल से भिन्न नहीं होता है। जिस समय अनागत और अतीत इन दोनों प्रकार की सूक्ष्म स्थिति में है, मतलब अतीत हो गया तो उस समय भी क्या है, वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, वो सूक्ष्म स्थिति में क्या है, अव्यक्त अवस्था में बना रहता है। और अनागत अवस्था में ऐसा भी नहीं कर सकते, सपोज तेल है, वो तेल का अनागत अवस्था है, तो तेल उसमें नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, वह क्या है, उसमें सूक्ष्म स्थिति में व्याप्त है, तब भी क्या है, उस गुण स्वरूप ही है, क्योंकि गुण उन धर्म रूप समस्त भिन्न भिन्न वस्तुओं में क्या है, धर्मी या कारण रूप से सदैव क्या है, अनुगत रहते हैं। मतलब कोई भी धर्म है वो अपने धर्मी में क्या है, सदैव गुण रूप में विद्यमान रहता है, और धर्मी भी अपने धर्म में क्या है, गुण स्वरूप में विद्यमान रहता है। मिट्टी और घड़ा का ही एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, आप कभी घड़े में ये नहीं कह सकते कि इसमें मिट्टी नहीं है, और मिट्टी को नहीं कह सकते कि ये घड़ा नहीं है, मतलब वो अव्यक्त अवस्था में वो दोनों एक दूसरे में क्या है, विद्यमान है, ठीक है। उनका कभी अभाव नहीं होता, अतः वास्तव में किसी भी वस्तु की सत्ता का अभाव नहीं है, मतलब क्या है, वो अतीत या फिर अनागत अवस्था में सूक्ष्म रूप से बने हुए हैं, और गुण स्वरूप से वह सदैव विद्यमान है, परंतु परिणामशील होने के कारण उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है। मतलब क्या है, गुणों में निरंतर परिवर्तन हो ही रहा है, ठीक है। तो इसी कारण उसको क्या बोला गया है, परिणामशील कहा गया है, और परिणामशील होने के कारण ही क्या है, उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है। आया समझ में, आया कि नहीं मैम आया जी? यस हाँ मैडम हाँ है ना। अब आगे 14 नंबर का सूत्र कहते हैं, यदि गुणों का कार्य होने से वास्तव में सब कुछ गुण स्वरूप ही है, ठीक है। अब कार्य यहाँ पर करते ही कौन है, गुण ही करते हैं, उसी में परिवर्तन होता है। तो अगर सब कुछ गुण स्वरूप ही है, तो फिर भिन्न भिन्न स्वभाव वाले तीनों गुणों से एक-एक वस्तु की उत्पत्ति कैसे हो जाती है, हर एक से तो अलग-अलग वस्तुएं उत्पन्न होनी चाहिए थी, है ना। मतलब तीनों गुणों से क्या है, एक-एक वस्तु की उत्पन्न होनी चाहिए थी, लेकिन सबसे क्या है, अलग-अलग प्रकार की वस्तु, मतलब आप अपने आसपास ही देखिए इतने प्रकार की वस्तुएं हैं, लेकिन गुण तो तीन ही है, तो इससे तो तीनों गुणों में क्या है, एक-एक वस्तु ही उत्पन्न होनी चाहिए थी, इतनी सारी वस्तुएं कैसे बनती है।
तब ईश्वर कहते हैं कि परिणाम परिणाम एकत्वा द्वस्तुत्वम, ठीक है, अर्थात परिणाम की एकता से, ठीक है, वस्तु एक वस्तु, एक मिनट है ना, परिणाम की एकता से वस्तु का वैसा होना संभव है। तो व्याख्या कहते हैं कि परंतु भिन्न स्वभाव वाले गुणों का जब एक परिणाम होता है, सब मिलजुल कर जब किसी एक वस्तु के रूप में परिणत होते हैं, मतलब कोई भी वस्तु नया बन रहा है, तो जरूर मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही प्रकार का गुण है, क्या है, वो तीनों गुणों से मिल करके बना है, ठीक है, और जब तीनों मिल करके एक वस्तु के रूप में क्या है परिणत होते हैं, तब वैसा होने में कोई विरोध नहीं है, मतलब वो बन कैसे जाते हैं, ठीक है, उसमें विरोध नहीं है, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो फिर भिन्न भिन्न वस्तुओं के एक परिणाम होने से एक वस्तु का प्रकट होना प्रत्यक्ष देखने में भी आता है, ठीक है। तो जैसे पृथ्वी और जल मिलकर सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों के संबंध से वृक्ष के रूप में परिणत हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी और जल मिलकर क्या है, सूर्य और चंद्रमा के रश्मियों से, उसके प्रकाश पड़ने से क्या है, वृक्ष के रूप में परिणत हो जाते हैं, और फिर नाना जाति नाना आकार और नाना व्यक्तित्व का भेद हो जाता है, ठीक है। मतलब अब सूर्य पृथ्वी और जल मिलकर के क्या, सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों से अलग अलग प्रकार के वृक्ष बनाए। अब देखिए वृक्ष एक ही प्रकार के होते हैं, उसमें कितनी प्रकार की जातियां हैं, सबका अलग अलग वृक्ष हैं, अलग अलग सबका आकार होता है, और अलग अलग व्यक्तित्व का, मतलब प्रत्येक वृक्ष का अलग तरह का क्या है, स्वभाव होता है, ठीक है। परंतु वस्तुतः वे अपने धर्मियों से सर्वथा अभिन्न है, मतलब आप उसको ये पृथ्वी जल सूर्य चंद्रमा से अलग नहीं कर सकते, उनसे वे वृक्ष क्या है, संबंधित है। तो उसी प्रकार सब वस्तुएं गुण स्वरूप ही है, उनसे भिन्न नहीं है, मतलब जिन चीज से वो मिल करके बना है क्या है, वो उससे भिन्न नहीं है, ठीक है। आया समझ में? मैम एक बार फिर से बता यस मैम। दीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, अब गुण है, ठीक है, तो अलग अलग गुण, मतलब कुछ भी एक नया धर्म वस्तु बन रहा है, ठीक है, तो वो सब अब बने किससे हैं, तीनों गुणों से ही मिल करके बने हैं, है ना। तो ये इतनी प्रकार की चतुरस्तम वस्तुएं बनती कैसी है, ठीक है, तो ये सब जब सब गुण मिलकर के क्या है किसी एक वस्तु के रूप में परिणत होते हैं, तब उसमें क्या है विरोध होना संभव नहीं है, विरोध नहीं है, क्यों, अब तीनों गुण एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, सत्व और रज एक है क्या, नहीं, उसका स्वभाव अलग है, उसका स्वभाव अलग है, लेकिन जब वो एक वस्तु के रूप में आते हैं तो वो क्या है एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। भिन्न भिन्न वस्तुओं में एक परिणाम से एक वस्तु प्रकट होना प्रत्यक्ष देखने में आता है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न वस्तुओं के एक परिणाम होने से, मतलब जो अलग अलग प्रकार की वस्तु, मतलब यहाँ पर आप देखिए पेड़ की जाति के ही बारे में बताया जा रहा है। अब ये सब बनता किससे है, पृथ्वी जल सूर्य और चंद्रमा इसी से मिल करके बना है, तो ये सब क्या हो गए, गुण रूप हो गए, ठीक है, पृथ्वी जल सूर्य और चंद्रमा। अब इन चारों में वो है भेद है, अब इनसे बना क्या, वृक्ष। अब वृक्ष एक ही बना क्या, नहीं, अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं, नीम का, बबूल का, बरगद, पीपल, तो ये क्या हो गया, जाति। इन सब का आकार भी एक जैसा रहता है, सब एक जैसे दिखते हैं क्या, नहीं, उन सब का, सारे पेड़ का व्यक्तित्व स्वभाव एक जैसा है, नहीं है, है ना, पीपल बरगद नीम ये सब क्या है, सब अलग अलग वो से है, तो इस तरह से क्या है उसमें क्या है भेद हो जाता है। परंतु वस्तुतः वे अपने धर्मियों से क्या है सर्वथा अभिन्न है, मतलब जो उनका कारण है, उनका धर्मी जिससे वो उत्पन्न होता है, उससे क्या है वे अलग नहीं है, भले ही बने हैं सब अलग अलग प्रकार के, ठीक है, मतलब इसका धर्म क्या हो गया, वृक्ष। अब उसके धर्मी क्या हो गए, ये पृथ्वी जल सूर्य और चंद्रमा, लेकिन अलग अलग प्रकार के वृक्ष बने, मतलब क्या, अलग अलग प्रकार का धर्म बना। तो ये अलग अलग प्रकार के धर्मी होने से भी क्या है, वे अपने धर्मियों से सर्वथा अभिन्न है, मतलब उससे अलग नहीं है, उन्हीं के जैसे हैं, किसके जैसे, पृथ्वी जल सूर्य और चंद्रमा के जैसे। तो उसी प्रकार सब वस्तुएं गुण स्वरूप ही है, उनसे भिन्न नहीं है, मतलब जिससे वो उत्पन्न होकर के बनती है उन्हीं के अनुरूप है, ऐसा कहा जा रहा। आया समझ में? जी मैम।
अब समझ में, ये ठीक मैम है, अभिन्न अब पे मैं थोड़ा सा फंस गया था, जो हाँ अभिन्न ठीक है। बताया था अभी समझ में आ हाँ गया हाँ मैम। अभिन्न मतलब क्या, अलग नहीं है, भिन्न में अलग होता है। जैसे ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं जो लोग मैम घड़ा, यहाँ, मैम जैसे घड़ा हाँ मिट्टी से अलग नहीं है है यस, और घड़ा भी और मिट्टी से जैसे अलग नहीं तेल, है, घड़े से हमने गिलास बनाया वो भी मिट्टी से अलग नहीं है, और घड़े से हमने और क्या बनाया, थाली बनाई, गमला बनाया, वो हाँ भी बना उससे अलग नहीं है, लेकिन क्या है वो सब एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। ये देखो, स्वरूप में अलग-अलग हैं। हाँ स्वरूप में अलग अलग है लेकिन वो क्या है, अपने गुणों से भिन्न नहीं है। ठीक है, ओके वेरी गुड। चलिए, तो जो लोग यह मानते हैं कि दृश्य कोई वस्तु नहीं है, वासना के बल से चित्त ही दृश्य रूप में प्रतीत होने लग जाता है, उनकी मान्यता गलत है। मतलब दृश्य का अर्थ, यहाँ हमारे सामने कोई वस्तु दिखाई देती है वह सत्य नहीं है, क्योंकि मतलब वासना के बल से चित्त ही दृश्य के रूप में, मतलब जो चित्त है वही उस वस्तु के रूप में प्रकट हो जाता है, ऐसा सोचते हैं वो गलत है, ऐसा कह रहे हैं। मतलब कि इसका एक अच्छा उदाहरण ये है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, तो आप ये कह दो बेटा कि ये संसार में जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है इस जगत में, वो सब मिथ्या है, वो सब एग्जिस्ट ही नहीं करती, नहीं है ना। तो उसी तरह से क्या है, जो वस्तुएं दिखाई देती है वो जो हमारा चित्त है वही दृश्य रूप में परिणत हो जाता है, ऐसा सोचते हैं वो गलत है। तो उसके संबंध में 15वें नंबर का सूत्र कहते हैं लास्ट सूत्र। ठीक है, तो वस्तु साम्ये चित्त भेदा तयोर विभक्ता पंथा। ठीक है, तो वस्तु साम्ये अर्थात वस्तु की एकता में भी चित्त भेदा, चित्त का भेद प्रत्यक्ष है। ठीक है, अगर वस्तुएं एक जैसी हैं तो भी क्या है, चित्त का भेद अलग है और मतलब प्रत्यक्ष है, इसलिए तयो अर्थात चित्त और उसके द्वारा देखे जाने वाली वस्तु, इन दोनों का मार्ग क्या है, अलग अलग है। व्याख्या पढ़ते हैं एकदम, मतलब इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, हाँ जी हाँ। तो एक ही वस्तु में मनुष्यों के चित्त की वृत्तियां अलग अलग होती है, अर्थात अनेक चित्तों का विषय वह एक ही वस्तु विभिन्न प्रकार से बनती है, यह प्रत्यक्ष है। सपोज हमने देखा एक बॉटल। ठीक है, मेरे पास एक बॉटल है ना, अब मैं उस बॉटल को देख रही हूँ। ठीक, तो मनुष्य के चित्तों की वृत्तियां एक ही वस्तु में, तो हमारी एक ही वस्तु क्या हो गई, बॉटल। अब मनुष्यों के चित्त की वृत्तियां अलग अलग होती है, तो अर्थात क्या उस बॉटल को देख करके आप सबके और मेरे मन में क्या है, अलग अलग तरह का विचार हो आएगा। ठीक है, तो अनेक चित्तों का विषय वह एक ही वस्तु, अर्थात हम सबके चित्त का विषय क्या हो गया, वो एक बॉटल, भिन्न विभिन्न प्रकार से बनती है, मतलब अलग अलग प्रकार से वो हमारा क्या है, सोचने का विषय बनेगी, यह प्रत्यक्ष है, इसी को हम जान ही रहे हैं, है ना। तो इस परिस्थिति में यदि किसी वस्तु किसी एक चित्त की कल्पना मात्र मानी जाए तो वह अन्य अनेक चित्तों का विषय नहीं बन सकती। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं ना कि वासना के बल से चित्त ही दृश्य रूप में प्रतीत होने लगता है, मतलब हमारे सामने जो वस्तु दिखाई देती है वो वासना के कारण ही उस वस्तु के रूप में हमको दिखाई देती है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, यदि वस्तु किसी एक चित्त की कल्पना मानी जाए, सपोज ये बॉटल मेरे चित्त की कल्पना है, तो फिर आपके आप लोगों के चित्त का विषय वह नहीं बन सकती, अतः सबको उसका स्वरूप नहीं दिखना चाहिए था। मतलब वो मेरे तो मेरी कल्पना है, मेरे चित्त का विषय है, तो वो सिर्फ मुझे दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो आप लोगों को भी दिख रहा है ना। तो इसके सिवा यदि उसको अनेक चित्तों की कल्पना मानी जाए तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वह वस्तु भिन्न भिन्न काल में अनेक चित्तों का विषय बनती हुई देखी जा सकती है। मतलब ये जो बॉटल है, सपोज हमने मान लिया कि वो हम सबके चित्तों से मिलकर के बनी है, सबके चित्त का विषय है, तो भी यह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग अलग काल में क्या है, वो अलग अलग चित्त का विषय बनते हुए देखी जा रही है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई चीज हम सबसे के चित्त से मिलने से बनी है, तो फिर जिस समय मैं उसके बारे में सोच नहीं रही हूँ, तब फिर उसका क्या होगा, मतलब कैसे बनेगा। ठीक है, तो इस कारण से ऐसा, फिर अब इस परिस्थिति में मैं कौन से अनेक चित्तों की कल्पना मानी जाए, मतलब जिस समय अब वो बहुत सारे चित्तों से मिल करके बन रही है, तब हम कैसे जानेंगे कि किससे किसके चित्त से मिल करके वो वस्तु बनी है। तो अतएव वस्तु की एकता और उसके विषय करने वाले चित्तों की अनेकता होने के कारण दोनों अलग अलग पदार्थ है। मतलब बॉटल तो एक ही है,
लेकिन उसको विषय करने वाले, उसको ग्रहण करने वाले चित्त क्या है, अनेक हैं। इस कारण से क्या है, वस्तु और चित्त दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, यही मान्यता है। अब इसको आप लोग हाईलाइट करके एक पॉइंट लाइन में लिखिए, वस्तु और चित्त दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, आया समझ में? एक सूत्र और कर लेते हैं, है ना, लास्ट वन ये वाला। अब देखिए, पुनः पूर्व पक्ष का खंडन करने के लिए दूसरा सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर का भी सूत्र देखते हैं। तो न चैक चित्त तत्प्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदाम किम स्यार, अर्थात इसके सिवा, ठीक है, वस्तु दृश्यम, सॉरी वस्तु अर्थात जो दृश्य वस्तु, जो बॉटल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो एक चित्त तंत्रम किसी एक चित्त के अधीन न अर्थात क्या नहीं है। ठीक है, तब क्या है, क्योंकि तद प्रमाणकम अर्थात क्या, जब वह चित्त का विषय नहीं रहेगी, तदा क्या अर्थात उस समय किम स्यात, वस्तु का क्या होगा। तो व्याख्या कहते हैं कि इसके सिवा विद्यमान वस्तु, दृश्य वस्तु किसी भी एक चित्त के अधीन नहीं है, इसके लिए भी कल्पना मात्र नहीं है। मतलब वो जो वस्तु दिखाई दे रही है ना, तो वो किसी एक चित्त के भी अधीन नहीं है। मतलब वो अगर क्या बोलते हैं, सबके चित्तों से मिल करके नहीं बनी है, तो वो केवल एक के चित्त के कारण भी, उसके चित्त के अधीन भी नहीं है, इसलिए भी क्या है, वो कल्पना मात्र भी नहीं है। क्योंकि यदि कल्पना मात्र मानी जाए, तब वह चित्त उसको विषय करना देखना छोड़ दे, तब उस समय वह नहीं रहनी चाहिए। मतलब देखिए, इससे पहले में हमने क्या पढ़ा कि चित्त अलग है और वस्तु अलग है, और सबके चित्त के मिलने से क्या है, एक वस्तु नहीं बनती। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि एक चित्त से ही, मतलब किसी एक के चित्त के कारण ही वो वस्तु बनी है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जिस समय वह चित्त उसको विषय करना देखना छोड़ दे, मतलब मेरे चित्त के कारण हम सबके चित्त से मिलकर के वो बॉटल नहीं बना। ठीक है, तो अब मैं ऐसा भी नहीं कह सकती कि केवल मेरे चित्त के कारण वो वस्तु बनी है। क्यों? क्योंकि अब जिस समय मैं उस वस्तु बॉटल को विषय करना छोड़ दूंगी, मैं उस बॉटल के बारे में सोचना छोड़ दूंगी, तो उस समय तो क्या है, वह नहीं रहनी चाहिए। मतलब वो बॉटल एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए जब मैं उसके बारे में सोच नहीं रही हूँ। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, वस्तु क्या है, वैसी की वैसी ही विद्यमान रहती है ना। मतलब हम सबके सोचने से, हम सबके चित्त का से मिल करके नहीं बना है वो वस्तु, और ना ही मेरे अकेले के करने से भी नहीं बना है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु विद्यमान है ही। तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह जो दिखने वाली वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, तथा दृश्य वस्तु चित्त से भिन्न है, और वह क्या है, सच्ची है। मतलब दृश्य अर्थात जो वस्तु है वो, और चित्त है वह भिन्न, दोनों क्या है, अलग अलग है, और दोनों के दोनों मतलब चित्त भी सत्य है और जो वस्तु है वह भी क्या है, सत्य है। ठीक है, दोनों का ही अभाव नहीं होता है। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक पांचवी मैम कक्षा इसका थोड़ा में? शॉर्ट में एक लाइन में बताइएगा तो मैम, मतलब क्या इसमें बता रहा है? मतलब इससे पहले वाले सूत्र में ये बोले हैं कि चित्त अलग है वस्तु और और चित्त वस्तु अलग 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 है, है। ठीक है। हाँ, क्यों? क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन मतलब इससे पहले बोल रहे थे कि जो वस्तु है वो चित्त का ही परिणाम है, चित्त के कारण ही वो वस्तु बनी है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके लिए उदाहरण दिए हैं कि अगर मतलब हम लोग मान लेते हैं कि सपोज ये बॉटल है, वो मेरे चित्त का विषय है, तो अगर मेरे एक चित्त के कारण अगर वो वस्तु बनती है, तो वो वस्तु फिर आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए, है ना। वो तो सबको दिखाई दे रही है, तो इससे सिद्ध होता है कि क्या, कि वो सिर्फ मेरे चित्त का विषय नहीं है, उसको आप सब लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हम सब देख रहे हैं, तो वो हम सबके चित्त से मिलने से बना है, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सबके चित्त से मिल करके बनता, तो संसार में तो इतनी सारी वस्तुएं हैं, तब किसके किन किन के चित्त के मिलने से वो वस्तु बनी है, ये भी एक कंफ्यूजन हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि सपोज अगर सबके चित्त के मिलने से नहीं बना है, तो वो किसके चित्त से मिलने से बना है। ठीक है, क्या वो किसी एक के चित्त से बन सकता है? तो नहीं। अगर मैं उस वस्तु के बारे में, ये बॉटल के बारे में नहीं सोच रही हूँ, तो उस समय तो फिर उस बॉटल को समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो तो बना रहता है। तो इस पे क्या है, वो जो वस्तु है
वो चित्त का विषय नहीं है, वो चित्त के कारण नहीं बना है, उसकी एक अलग सत्ता है। अतः क्या है, चित्त अलग है और वस्तु अलग है। अब आया समझ में? जी मैम, जी मैम, ये संबंध देखिए है ना, दृश्य वस्तु अपनी स्वतंत्र सत्ता एक, हाँ ये जी ये वाला है, ये जो लोग यह मानते हैं कि दृश्य कोई वस्तु नहीं है, मतलब सामने जो वस्तु दिखाई दे रही है, जो बॉटल हमको दिखाई दे रहा है वो वस्तु नहीं है, वो वासना के बल से चित्त ही दृश्य रूप में प्रतीत होने लगता है, मतलब वो क्या है, वो चित्त का ही हम चित्त के कारण ही बना है वो बॉटल, ऐसा सोचते हैं, ये मान्यता गलत है। तो इसके संबंध में 15वें और 16वें नंबर का सूत्र कहते हैं, ठीक है, जी मैम, आया जी मैम, समझ में? हाँ जी मैम, चलिए, अब आज की कक्षा यहीं तक है ना। किसी ठीक है। नहीं को भी और किसी तरह का डाउट? अच्छा, कैवल्यपाद टफ लग रहा है क्या? सबसे पहले तो ये बताओ। मैम, थोड़ा कोरिलेट नहीं हो पा रहा है इसमें मैम, क्योंकि ये केवल थोड़ा पाद सा मैंने अलग है। जी हाँ मतलब देखिए, पहले पढ़ा साधन पाद नहीं है। कंटिन्यू एक दूसरे से रिलेटेड।